अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, पहला फैमिली कॉर्ड डेटा और उसके अलावा हम इसकी एक क्लास एंटीरियर नस्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, हमने कल एक इसका पहला इंट्रोडक्शन जो कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आज हम यानी नेक्स्ट मूव करते हैं और फैलम हेमी कॉर्डेटा और उसकी जो क्लास एंटीरियर नस्टा है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है, ठीक है, फैलम हेमी कॉर्डेटा एक्चुअली हेमी का क्या मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा का क्या मतलब होता है कॉर्डेट्स, ठीक है। तो देखें, हेमी कॉर्डेटा हाफ कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन फुली कॉर्डेट्स नहीं होती, या ऐसा समझ लें कि इनकी चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉर्डेट से मिलती हैं। हमने कल ये बात डिस्कस की थी। तो आज हम फर्दर मूव करते हैं कि फैलम हेमी कॉर्डेटा, इसमें दो मतलब क्लासेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द मिलर एंड हार्ले फिफ्थ एडिशन, ठीक है। फिफ्थ एडिशन के मुताबिक वहाँ जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, वो ये है कि इसकी दो क्लासेस होती हैं। पहली बात तो ये कि उनके कॉमनली नेम की बात करूँ, ठीक है, एकॉनबॉम्स और दूसरा है टीरियोब्रांड्स, ठीक है, ये इनके दो कॉमन नेम है। लेकिन इन क्लासेस की साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, वो क्या है एंटीरियर न्यूस्टा और दूसरा क्या है टीरियोब्रांशिया। ये उनके दो साइंटिफिक नेम है, मतलब जो दो क्लासेस थी उनकी साइंटिफिक नेम है। तो मोस्टली ये क्या होते हैं कि ये मेराइन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे हेमी कॉर्डेटा मेराइन्स मतलब रॉक से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स मतलब जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, या समुद्रों के इर्द गिर्द बरोज, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स में ये ड्यूट्रोस्टोमेट एनिमल्स हैं, मतलब ये कि इनमें जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर से इनका माउथ डेवलप नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लास्टोपोर, ठीक है, तो इनका माउथ इस ब्लास्टोपोर से डेवलप नहीं होता, किसी और जगह से डेवलप होता है। तो उसके बाद अगर हम इनके बॉडी की बात करें, तो इनकी बॉडी क्या होती है, सिलोमेटेड होती है, सिलोम इसमें मौजूद होता है, ट्रियोसिलोम मौजूद होता है। तो इस हवाले से और इसकी बॉडी को थ्री हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मतलब ये कि बॉडी के तीन पोर्शंस होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। तो ये प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है, यहाँ जो प्रोबोसिस है एक्चुअली इसका काम ये होता है कि ये उसकी फूड के लिए, ठीक है, फूड अब्सॉर्प्शन के लिए, फूड को प्रे को कैप्चर करने के लिए, मतलब प्रे को नहीं लेकिन फूड को अब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है, और इनकी लोकोमोशन यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी मतलब ये इन्वॉल्व होता है, कौन, प्रोबोसिस। उसके अलावा इनमें फ्रेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस साइड में, दीज आर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स, की जो ये राउंडेड इस तरह के बॉल टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो वो फ्रेंजियल गिल स्लिट्स मैंने बनाए, जैसे बनाइए तो पिक पे मतलब वो नहीं करना, बस ऐसे ड्रा किया है, तो वो उसकी क्या है फ्रेंजियल स्लिट्स हैं। उसके बाद इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, मतलब ये कि जो फ्लूइड्स होता है वो उसकी बॉडी मतलब डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ऐसे सराउंड करती रहती है, ठीक है। और उसके अलावा इनमें क्या होता है, डार्सल टिब्यूलर नर्व गार्ड। अब डार्सल साइड क्या होता है, जैसे मैं ठहरा हूँ, ठीक है, दिस इज माय फ्रंट साइड, विंट्रल साइड, लेकिन बैक साइड क्या है मेरी डार्सल साइड, ठीक है। तो और टिब्यूलर नर्व गार्ड बाज़ औक़ात इनमें जो नर्व गार्ड होती है वो टिब्यूलर फॉर्म में होती है, ठीक है, बाज़ औक़ात सम टाइम आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हेमी कॉर्डेटा की इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसकी एक क्लास है, ठीक है, जिस दोनों क्लासेस हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक क्लास की सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा उस ऑर्गेनिज्म मतलब उस एकॉनबॉम्स जो कि क्लास है, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके मेंटेनेंस फंक्शंस हैं, उनके रिप्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे, और ये जो आने वाली वीडियो वो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो एंटीरियर नोस्टा, इनको हम मेराइन वॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि मेराइन एनिमल्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इनके साइज़ की बात करें, साइज़ ऑलमोस्ट तकरीबन इनकी 20-40 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो 2 मीटर से भी बड़े हैं। और जैसे कि नाउएडीज की बात करो, आजकल की, ये तो पुरानी बुक है काफ़ी अर्से पहले, तो आजकल तकरीबन 2.8 सेंटीमीटर के 2.7-2.8 मीटर के एनिमल्स भी मतलब ये हेमी कॉर्डेट्स डिस्कवर हुए हैं। एंटीरियर नस्टा मतलब मेराइन वॉर्म्स या एकॉन वॉर्म्स 2.8
ठीक है, मीटर्स के भी मतलब उन्होंने डिस्कवर किए ऐसे एनिमल। तो 70 स्पीशीज हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है 70 स्पीशीज हैं, लेकिन आज मतलब टुडे आप विकिपीडिया को उठा के देखें तो वहाँ 110 स्पीशीज मौजूद होंगे, मतलब इसके मेरान बॉम्ब्स के या एकॉन बॉम्ब्स के, और ये यू शेप बरोज में पाए जाते हैं। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि आप अपने सी शोज पे अगर ऐसे वॉकिंग कर रहे हो तो वहाँ देखते होंगे कि यू शेप के ऐसे बरोज होते हैं, तो उन यू शेप के ऐसे बरोज में क्या मौजूद होते हैं, यही एकॉन बॉम्ब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दैट एनिमल्स बिलोंग टू द फैलम हेमिकॉर्डे कॉर्डेटा, ठीक है, और एनिमल्स आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेस, ठीक है। तो उसके अलावा वो सैंड में मतलब वही रेत ही होती है ना, समंदर के इर्द गिर्द दरियाओं के इर्द गिर्द या समंदर के आसपास रेत ही होती है, तो उसी रेत में ये जो मड्डी सबस्ट्रेट है, ठीक है, मतलब ये कि वह कीचड़ जो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर वो रहते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब जिसके ऊपर ये एनिमल्स रहते हैं या उसमें उसके नीचे रहते हैं, ठीक है, उसमें धसे होते हैं, तो वो क्या होता है मड्डी, ऐसे मतलब ऐसे कीचड़ में वगैरह वगैरह में धसे होते हैं या उसमें पाए जाते हैं। तो इनकी एपिडर्मिस क्या होती है, सिलिएटेड होती है, मतलब उसके एपिडर्मिस के ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं और ग्लैंड सेल्स मौजूद होते हैं। एक और बात है, मतलब ग्लैंड सेल्स जो सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं उसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, ठीक है। और इसका इनका जो माउथ होता है वो माउथ वेंट्रली लोकेटेड बिटवीन प्रोबोसिस, ठीक है, बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर, ठीक है, प्रोबोसिस और कॉलर के दरमियान में वेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। वेंट्रली का मतलब होता है नीचे वाले साइड, मतलब एक है अगर फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ऐसे सामने में क्या है मेरी फ्रंट साइड है, ठीक है, तो मछली का तो इसका फ्रंट साइड भी क्या है, ये नीचे वाला है, और ये अपर वाला क्या है, उनका बैक साइड है, ठीक है। एनिमल के अकॉर्डिंग होता है ये, बड़ी मतलब मिक्सअप चीज़ें हैं। तो इनका जो मतलब वेंट्रल साइड है, ऊपर वाला इनका डॉर्सल होता है, नीचे वाला वेंट्रल होता है, ठीक है। तो इनका जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड की ऐसा समझो कि ये प्रोबोसिस है, ये उनका क्या है कॉलर है, तो इनके दरमियान में क्या होता है, वो माउथ मौजूद होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ये ऐसा समझ लें इंटरनोस्टा के बारे में और हेमिकॉर्डेटा के क्लासेस के बारे में। तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें इसी एंटीरियर लोस्टा के मतलब मेंटेनेंस फंक्शन, उसके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसमें मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह जितने भी सिस्टम्स पाए जाते हैं उनके क्या काम होते हैं, तो इस चीज़ को हम कल कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।